हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शर्मा इंग्लिश गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पैसिव वॉइस के अंतर्गत ही पैसिव वॉइस से संबंधित जो भी रूल्स हमने पढ़े हैं मेरे पिछले वीडियोज़ में, उनका अभ्यास करेंगे। कुछ प्रश्न हैं उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने का हम यहाँ पर अभ्यास करेंगे। तो आइए दोस्तों, समय को वेस्ट किए बिना हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं पैसिव वॉइस है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वाक्य दिए हुए हैं, इन एक्टिव वॉइस के जो वाक्य हैं, सेंटेंसेज हैं, इन्हें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पहला वाक्य है, पहला सेंटेंस है, ही हेल्प्स मी इन माई डिफिकल्टी। हमने देखा दो तरह के जो सेंटेंस हैं उनमें टेंस संबंधी परिवर्तन होता है, एक तो असर्टिव सेंटेंस में और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस की पहचान होती है कि ऐसे वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें टेंस संबंधी नियम लगेगा। ही हेल्प्स मी इन माई डिफिकल्टी, प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। तो मी है, मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ही हेल्प्स मी प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो यहां पे हो जाएगा आई एम। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड। मैन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो इससे पहले क्या लगा देंगे बाई हिम इन माई डिफिकल्टी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यू सोल्ड योर रेडियो यस्टरडे। वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया योर रेडियो, तो योर रेडियो बना देंगे सब्जेक्ट, तो जाएगा इसका योर रेडियो। पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है तो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी पास्ट कंटिन्यूअस की, योर रेडियो सिंगुलर है तो लग जाएगा वोज, योर रेडियो वोज। वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड का सोल्ड, सेल सोल्ड सोल्ड, योर रेडियो वॉज सोल्ड, और फिर सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट, तो जाएगा बाई यू यस्टरडे। योर रेडियो वॉज सोल्ड बाई यू यस्टरडे। द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। हमने पढ़ा था कंटिन्यूअस के अलावा यदि कोई भी टेंस है तो उससे ठीक आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। यदि वाक्य कंटिन्यूअस का हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। यदि वाक्य कंटिन्यूअस का हो तो उसी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं, और वर्ब में जो आई एन जी लगा हुआ है इस आई एन जी को शो करने के लिए मैन वर्ब के ठीक पहले बीइंग लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, द बॉयज वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास, ऑब्जेक्ट है इसमें ए नॉइज, इसको सब्जेक्ट बना देंगे ए नॉइज। पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आएगी, कंटिन्यूअस में उसी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब काम आती है, तो यहां पे सब्जेक्ट हो गया ए नॉइज, सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा वोज, ए नॉइज वोज। फिर वर्ब आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं लेकिन आई एन जी लगा हुआ है तो इस आई एन जी को शो करने के लिए मैन वर्ब के ठीक पहले बीइंग लगाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा बीइंग मेड, ए नॉइज वॉज बीइंग मेड, और वर्ब के ठीक बाद में आएगा ऑब्जेक्ट तो जाएगा बाई द बॉयज इन द क्लास। इनके अलावा जो बच गया उसे वहां पर वैसे के वैसे उतार देते हैं। पैसिव वॉइस में हम मुख्य रूप से तीन चीजों को टच करते हैं, कौन कौन सा है वो, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट।
इनके अलावा जो शब्द जहाँ लिखा हुआ है उसे वैसे के वैसे वहीं पर लिख देते हैं। द टीचर इज पनिशिंग द स्टूडेंट्स इज पनिशिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, ing को शो करने के लिए बींग लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हो गया द स्टूडेंट्स। प्लुरल है तो प्लुरल होने के कारण लग जाएगा आर, द स्टूडेंट्स आर वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले लगेगा बींग पनिश्ड बाय द टीचर। द स्टूडेंट्स आर बींग पनिश्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू वॉन्ट ए पेंसिल। हमने पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टेंस संबंधी परिवर्तन होता है। असर्टिव सेंटेंस की पहचान थी कि वो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, और इंट्रोगेटिव की पहचान है कि वाक्य के लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इस, अर्थात इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन होगा। तो देखिए इसको बनाने की कोशिश कीजिए, डू यू वॉन्ट ए पेंसिल। डू प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, कंटिन्यूअस पे उसी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आती है, और कंटिन्यूअस के अलावा जो भी टेंस दिया हुआ होता है उससे ठीक आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम में आती है। तो डू प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, तो हेल्पिंग वर्ब काम आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज आर एम। अब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल। तो ए पेंसिल है तो ए पेंसिल के साथ लगेगा इज, फिर सब्जेक्ट के ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ अब सब्जेक्ट हो जाएगा ए पेंसिल, तो इज ए पेंसिल। वर्ब की थर्ड फॉर्म वांट, तो वांट का हो जाएगा थर्ड फॉर्म वांटेड, और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले लगाते हैं बाई, तो बाई यू, इज ए पेंसिल वांटेड बाई यू। हु टीचेज यू इंग्लिश, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, टेंस संबंधी नियम इसमें लगेगा। यदि वाक्य हमने पढ़ा था, यदि वाक्य हु से शुरू हो तो हु की जगह क्या लगा देते हैं, बाई हूम, ठीक है। हु टीचेज हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, तो सहायक क्रिया काम आएगी, हेल्प में काम आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज आर एम में से लगेगा। ऑब्जेक्ट है इसमें यू, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन हो जाएगा यू, तो यू के साथ कौन सी हेल्प में लगेगी, बहुवचन लगेगी, तो आर, बाई हूम आर यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म टी टोट टोट, बाई हूम आर यू टोट इंग्लिश। हैव यू पोस्टेड माई लेटर, तो हमने देखा हैव प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और वर्ब के ठीक बाद लिखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है माई लेटर, सिंगुलर है तो क्या लगेगी हैज बीन, इंट्रोगेटिव में हैज बीन एक साथ नहीं आती, तो हैज माई लेटर इसके बाद लगेगा बीन, हैज माई लेटर बीन पोस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई यू, हैज माई लेटर बीन पोस्टेड बाई यू। हाउ डू पीपल लर्न इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो तो केवल दो में ही परिवर्तन करते हैं, यदि हु से शुरू हो तो हु की जगह लगा देते हैं बाई होम, और यदि होम लिखा हुआ हो तो होम की जगह लिख देते हैं हु। इनके अलावा जो भी डब्ल्यू एच वर्ड लिखा हुआ होता है उसे एज इट इज उतार देते हैं, तो हाउ को ऐसे कैसे लिख देंगे,
ठीक है। अब देखा हमने डू लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य है, हेल्प में काम आएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इज आर एम में से लगेगी। अब सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश, इंग्लिश को सब्जेक्ट बना देंगे, सिंगुलर है तो क्या लगेगा इज, हाउ इज इंग्लिश, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, हाउ इज इंग्लिश लर्नड। बाई पीपल नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर जो ये पीपल है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट यदि सब्जेक्ट हो तो उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं, अर्थात बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अरेस्ट दिस थीफ, कैसा सेंटेंस है ये, ये सेंटेंस अरेस्ट से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, इट मीन्स यह है इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, सस्पेंड लगाते हैं लेट, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट दिस थीफ, लेट दिस थीफ, लेट फिर वाक्य का ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट दिस थीफ बी अरेस्टेड। नेक्स्ट डोंट वेस्ट योर मनी, यदि वाक्य डोंट से शुरू हो या डू नॉट से शुरू हो तो डोंट या डू नॉट को हटा देते हैं, शुरू शुरू क्या लगाते हैं वही लेट, ऑब्जेक्ट योर मनी, लेट योर मनी, फिर लगाएंगे नोट और फिर लगेगा बी इस नोट के बाद, क्योंकि वाक्य नेगेटिव सेंस का है तो हम जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसमें भी नेगेटिव सेंस आना चाहिए, तो नोट यहां पर हम लगाते हैं, तो लेट योर मनी नोट बी वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में आती है। लीव दिस बुक ऑन द टेबल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, किससे शुरू होगा लेट से, ऐसे ही ऐसे लेट, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है, मैन वर्ब के ठीक बाद में ऑब्जेक्ट लिखा होता है, तो दिस बुक, लेट दिस बुक, इसके बाद लगेगा बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेफ्ट, लेट दिस बुक बी लेफ्ट ऑन द टेबल, इनके अलावा जो वर्ड जहां पर जैसे लिखे हुए हैं उन्हें वैसे के वैसे लिख देते हैं, उनमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं की जाती है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेसन टूडे, गोइंग टू वाले वाक्य, तो गोइंग टू वाले वाक्य हम क्या करते हैं, बाकी नियम सेम है, ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, ए न्यू लेसन, इसको बना देंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया ए न्यू लेसन, कंटिन्यूस का वाक्य है तो उसे कंटिन्यूस के हेल्प में और काम आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के कारण सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा इज, ए न्यू लेसन इज, और फिर गोइंग टू ऐसे कैसे लिख देते हैं, गोइंग टू और टू के बाद लगाते हैं बी, ए न्यू लेसन इज गोइंग टू बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के बाद में, स्टार्टेड बाय मी आएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, तो बाय मी और टुडे ऐसे कैसे यहां पर आ जाएगा, ए न्यू लेसन इज गोइंग टू बी स्टार्टेड बाय मी टुडे, इस तरीके से पैसिव वॉइस इनकी बन जाती है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज लर्नड ऑल द लेसन्स, सबसे पहले देखिए ये वाक्य किससे शुरू हो रहा है, ही सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है उसमें टेंस संबंधी परिवर्तन होता है, तो इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, टेंस कौन सा है, तो हमने देखा हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है,
तो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो दिया गया वाक्य यदि कंटिन्यूअस के अलावा कोई भी टेंस हो तो नेक्स्ट टेंस की हेल्प में काम में लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है तो हेल्प में काम आएगी प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस की। सब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑल द लेसन्स। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे तो जाएगा ऑल द लेसन्स। बहुवचन है, प्लूरल है तो हेल्प योर काम आएगी हैव बीन। तो क्या हो जाएगा ऑल द लेसन्स हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है ये, तो लर्नड का लर्नड ऐसे कैसे, लर्नड बाय ही का हो जाएगा हिम। ऑल द लेसन्स हैव बीन लर्नड बाय हिम। शट ऑल द गेट्स, शट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू हो रहा है, तो यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट। लेट के बाद में दिए गए वाक्य का ऑब्जेक्ट ऑल द गेट्स, तो लेट ऑल द गेट्स, उसके बाद क्या आएगा बी, लेट ऑल द गेट्स बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म शट, तीनों सेम होती है शट शट शट। वी कैन स्पीक इंग्लिश, तो हमने देखा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मैन वर्ब के बाद लिखा है इंग्लिश, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे इंग्लिश। कैन मॉडल लिखा हुआ हो, कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड नीड नोट डेयर टू, यदि मॉडल लिखा हुआ है तो उसी मॉडल को हम लिखते हैं। तो कैन लिखा हुआ है तो कैन का कैन, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाते हैं। यदि वाक्य में मॉडल का प्रयोग किया गया है तो उसी मॉडल को काम में लिया जाता है। मॉडल एज ए हेल्पिंग वर्ब यहां पर है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब ही होती है, तो ऐसे वाक्यों में बी लगाते हैं, और वो बी कहां लगेगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक पहले। तो इंग्लिश कैन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी स्पोकन, तो इसके ठीक पहले लग जाएगा बी, बी स्पोकन हो जाएगा। English can be spoken, we यहाँ पर unimportant subject है, तो unimportant जो subject होता है उन्हें object के रूप में नहीं लिखते, अर्थात by us नहीं लिखा जाएगा, केवल यही इसका इसकी passive voice हो जाएगी English can be spoken। तो दोस्तों आप इनका और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ईजी आपके लिए passive voice हो जाएगी। थैंक यू।